गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चंस कर रहे थे हम सर्विस कॉस्टिंग के। ट्राई किए किसी ने आगे कुछ? कौन सा था लास्ट क्वेश्चन हमारा? 8 हो गया था। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 9। सैलरी क्या है? फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, आईटी कंपनी की बात हो रही है अब यहाँ पे। कंपनी प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज, आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5%, सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर 2%, सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। द कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, द डिटेल ऑफ द सेम आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6 मंथ, 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वेर एज प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 मंथ्स एफर्ट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ट्रेवल एक्सपेंसेज इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, 2 लैपटॉप्स वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 ईच फॉर इशू फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड 2 ईयर। प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। आईटी सर्विसेज में मेनली यूनिट क्या होनी चाहिए? आईटी सर्विसेज में या आईटी सर्विसेज में यदि आप रेगुलरली यदि किसी स्पेसिफिक जॉब पे सर्विस दे रहे हो तो फिर तो जॉब कॉस्टिंग में चला जाएगा। यदि मैं यहाँ पे इसे सर्विस कॉस्टिंग में ला रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूनिट क्या होनी चाहिए? आईटी पर्सनल कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नो, आईटी पर्सन सर्विस प्रोवाइड करते हैं टाइम बेसिस पे, कि कौन पर्सन कितने टाइम के लिए किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देने जा रहा है। आईटी पर्सन टाइम बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं या पर्सन बेसिस पे? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपके यहाँ पे 2 आदमी डिप्लॉय कर दिए, अब मेरे 2 आदमी की जितनी भी कॉस्ट आएगी वो आपको पे करनी है। इफ़ दे विल वर्क फॉर होल डे और होल मंथ और 10 डेज और 15 डेज, तो वहाँ नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे या टाइम बेसिस पे हम रेवेन्यू चार्ज करते हैं कि ठीक है आपको आईटी पर्सन की जरूरत है, कितने घंटे के लिए आ रहा है। नॉर्मली बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, तो जो आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी वो अपने प्रोफेशनल्स को वहाँ पर भेजती है, वो अपने एम्प्लॉयज को वहाँ भेजती है कि वहाँ जा 2, 3, 4 एम्प्लॉय को भेज दिया, कितने घंटे काम करके आना या कितने दिन के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करके आ रहे हैं। तो आईटी सर्विसेज में मेनली जो हमारा सारा का सारा काम होता है वो 2 तरह से होता है, एक इनहाउस और एक एक्सटर्नल सर्विसेज। इनहाउस जहाँ प्रोजेक्ट हम अपने ही ऑफिस में हैंडल कर रहे हैं, और एक्सटर्नल जहाँ हम कस्टमर की साइट पे जाके प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली सारा कॉस्ट चार्ज होता है। यहाँ देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5% है हमारे पास, जिनकी टोटल सैलरी 15 लाख रुपये है। प्रोजेक्ट लीडर 2% है, 9 लाख रुपए का सैलरी है। प्रोजेक्ट मैनेजर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, द डिटेल ऑफ द सेम आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन था 6 महीने का, ठीक है। 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर इन्वॉल्व्ड, और उस काम के लिए हमने 1 प्रोजेक्ट लीडर को भेजा था और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उनको इन्वॉल्व किया था। फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब ये तीनों लोग कितने हो गए? 4। 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोजेक्ट लीडर पूरे 6 महीने तक उस प्रोजेक्ट पे एंगेज थे। प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 मंथ एफर्ट्स, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने वहां पे 2 महीने ही लगाए। तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए थे फॉर होल 6 मंथ, 1 प्रोजेक्ट लीडर था फॉर होल 6 मंथ,
और हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसने 2 महीने वहां पे अपना एफर्ट दिया था। ट्रेवल एक्सपेंसेस उस प्रोजेक्ट के लिए कितना हुआ, उस प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2 लैपटॉप खरीदे थे जिनकी लाइफ 2 साल है, तो 6 महीने वो लैपटॉप्स वहां पे काम में आए, तो उनका डेप्रिसिएशन वहां चार्ज करेंगे। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान से सवाल हो गया। 5% का सैलरी ये ईयरली है, यस ये पूरे साल का है। 5% की सैलरी, 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पूरे साल की सैलरी कितनी है, 15 लाख। मतलब एक इंजीनियर की सैलरी पूरे साल की 3 लाख। अब एक इंजीनियर की पूरे साल की सैलरी 3 लाख रुपए है और हमने 3 इंजीनियर भेजे और वो भी 6 महीने के लिए, 4,50,000 का सैलरी हो गया उसका। स्टार्ट करो, बनाओ, क्या बनाना है हमें, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाइए, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। इन्होंने प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट मांगा है, तो पर मंथ बना लो, पर पर्सन बना लो, पर मंथ ही बनाओ, ऑब्वियसली पर मंथ बनाओ। वर्किंग नोट चाहिए ना, तो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट सीधा सीधा निकाल देते हैं, इसमें इतना प्रॉब्लम कहाँ है। पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टोटल 15 लाख का सैलरी था। अब इसका चाहे तो आप अलग से वर्किंग नोट दीजिए, 15 लाख का सैलरी कितने परसेंट का, 5% का, हमारे वहां पे कितने परसेंट गए, 3% गए, और ये सैलरी उनकी 1 साल की थी, बट हमारे वहां पे वो 6 महीने रहे। 4,50,000 रुपीज सैलरी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट लीडर की सैलरी आपने कितनी दी। सर हमारे 2 प्रोजेक्ट लीडर हैं, 9 लाख का उनका सैलरी है साल भर का, 9 लाख सैलरी ऑफ 2 प्रोजेक्ट लीडर, हमें कितना चाहिए, 1, और वो भी हमें चाहिए पूरे 6 महीने के लिए। आप 2,25,000 की सैलरी आ गई प्रोजेक्ट लीडर की। सैलरी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारा, एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका सैलरी है 6 लाख रुपीस, और हमें इस प्रोजेक्ट मैनेजर की नीड है 2 महीने के लिए सिर्फ। 1 लाख रुपए प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी चली गई। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टोटल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सबका मिला के हमें दिया हुआ है 1,87,500, 1,87,500 ठीक है। उसके बाद ओवरहेड्स दिए हुए हैं, ओवरहेड्स बोल रहा है 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी हो गई आपकी 4,50,000, 2,25,000 एंड 1 लाख, और इसका 50% 3,87,500, ये आपके ओवरहेड्स आ गए टोटल सैलरी का 50%। डेप्रिसिएशन ऑफ लैपटॉप, कितने लैपटॉप हैं, 2 लैपटॉप खरीदे हमने 50,000 के, 50,000 ईच, लाइफ ऑफ द लैपटॉप 2 साल, और हमें डेप्रिसिएशन चाहिए 6 महीने का। ₹25,000 का डेप्रिसिएशन आ, किस चीज का रिपेयर मेंटेनेंस।
किस चीज का रिपेयर मेंटेनेंस भाई, ये थोड़ी लगेगा, इसके लिए कुछ बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के लिए बोला था, ले लिया। रिपेयर मेंटेनेंस किस चीज का, रिपेयर मेंटेनेंस तो आपके ऑफिस के अंदर जो हुआ होगा उसका है, लेकिन यहाँ पे तो आप आउटसाइड जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज कैसे करोगे? यही काम इन हाउस हो रहा होता तो हम रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट भी लेते, लेकिन ये तो हम कस्टमर साइट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई रिपेयर मेंटेनेंस आएगा? 13,75,000 इज योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, सिंपल सा कैलकुलेशन, किसी को कोई डाउट? कैसे लोगे, किस बेसिस पे लोगे? वो तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिपेयर चार्ज है ना, ये तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे की बात कर रहा है ना, पूरा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का साल भर का एक्सपेंसेस किसी एक प्रोजेक्ट पे थोड़ी डाल दोगे इन खर्चों को, और किसी और की साइट पे जाके काम करके आ रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आ रहे हो, तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन और रिपेयर मेंटेनेंस का क्या काम है? होगा, यदि ऐसा है तो आपको इन्फॉर्म करेगा, उसने कोई इन्फॉर्मेशन, उसने टोटल ओवरहेड का प्रोजेक्शन दे दिया कि कितना ओवरहेड लेना है, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन तो कर ही दिया ना उसने, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट दे दिया 50%, तो जो उसने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की रेट दी, हमने वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ले लिया सीधा सीधा। नेक्स्ट, मुझे एक चीज बताओ, आपने यहाँ पे कैसे लिया, कहाँ लिखा है 50% ऑफ सैलरी? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है 50% ऑफ सैलरी, जो आप एकदम से भूल गए 50%? मतलब आप क्वेश्चन नहीं देख रहे, सॉल्यूशन देख रहे हो? आपने बोला 50% ऑफ सैलरी ओवरहेड है, मैंने ओवरहेड चार्ज कर दिया, मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने कहा आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दे रखी है, चार्ज कर दिया मैंने भी, कहाँ से लाए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? सॉल्यूशन मत देखो यार, अब तो क्या आइडिया लगा रहे हो, सॉल्यूशन मत देखो, आइडिया डेवलप ही नहीं होगा ना। ये साल भर के एक्सपेंसेस हैं, इसके ओवरहेड कितने हैं टोटल? 15 लाख, रिपेयर मेंटेनेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, तो यहाँ पे नीचे अजम्पशन डालो, अज्यूम्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, अज्यूम्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, टोटल सेल ओवरहेड 15 लाख, टोटल सैलरी 30 लाख, टोटल ओवरहेड 15 लाख, टोटल सैलरी 30 लाख, है 30 लाख टोटल सैलरी, एब्जॉर्प्शन रेट 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, एब्जॉर्प्शन रेट 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का 50% एब्जॉर्प्शन रेट निकला, और इसलिए हमने इस साल जो सैलरी आई, इस प्रोजेक्ट की जो सैलरी आई, उसका 50% ओवरहेड एब्जॉर्ब कर दिया।
नाउ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टोल प्लाजा। जितने भी हाईवे पे टोल प्लाजाज होते हैं वो टोल कलेक्ट करते हैं। अब वो टोल किस बेसिस पे चार्ज करते हैं, वो टोल किस बेसिस पे चार्ज करते हैं कि वो कितने किलोमीटर का हाईवे बना हुआ है, उस हाईवे पे उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आई है, उस हाईवे की मेंटेनेंस चार्जेस कितने लग रहे हैं, उस टोल प्लाजा पे कितने एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड हैं, क्या क्या सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब के एक्सपेंसेस, उन सारे एक्सपेंसेस को टोटल करते हैं। उस टोल प्लाजा से कितने व्हीकल्स ऑन एन एवरेज क्रॉस होते हैं उसका एस्टिमेशन लगाते हैं, और फिर अपने उस एक्सपेंसेस पे प्रॉफिट ऐड करके कितना रेवेन्यू उन्हें चाहिए उसके बेसिस पे वो टोल रेट डिसाइड करते हैं। फिर उस टोल रेट में भी कैटेगराइजेशन होता है, लाइट व्हीकल से कितना, हैवी व्हीकल से कितना, कमर्शियल व्हीकल से कितना। तो अगेन यहाँ पे सारा कुछ रहेगा ऑब्जर्वेशन, दिया होता है पूरा स्टोरी दिया है, टोल रेट कैसे निकालेंगे, बिल्ड ऑपरेटर बॉट अप्रोच एंड ऑल, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन जब आता है तो ये सारी अप्रोच साइड में रह जाती है। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, करना वही है, सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, और जो यूनिट आप डिसाइड करते हो इक्विवेलेंट यूनिट, उस इक्विवेलेंट यूनिट से आपको रेट निकालना है। बीएचजी टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ड अ 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे एंड नाउ ऑपरेट्स अ टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स यूजिंग द हाईवे। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट अ टोल ऑफ 12 करोड़ व्हीकल्स, ओनली सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल्स विल बी यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग द 10 ईयर टोल कलेक्शन टेन्योर। बता दिया इन्होंने, क्या एस्टिमेशन है, 12 करोड़ व्हीकल पास ऑन होंगे अगले 10 साल, 12 करोड़ व्हीकल्स पास ऑन होंगे, और वो सारे व्हीकल सिंगल टाइप के हैं। ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया, क्या ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ व्हीकल पे क्वेश्चन नहीं दे रहे, हम सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल्स ले रहे, अदरवाइज क्या होता, वही प्रपोर्शन इक्विवेलेंट निकाल लेते। ये बोलता कि 8 करोड़ लाइट व्हीकल्स होंगे, 4 करोड़ हैवी व्हीकल्स होंगे, और हैवी व्हीकल से डबल टोल लेते हैं तो उनको उसकी इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ इन्होंने बोला है टोटल 12 करोड़ व्हीकल्स पास ऑन होंगे। अब एक्सपेंसेस क्या क्या हैं इनके, सैलरी कलेक्शन पर्सन 3 शिफ्ट एंड 4% पर शिफ्ट, 550 पर डे पर पर्सन। पूरी इंफॉर्मेशन को बहुत क्लियरली पढ़ना क्योंकि कुछ मिस आउट ना हो जाए। 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, हर शिफ्ट में 4 लोग बैठते हैं, और हर पर्सन को पर डे का 550 रुपये देते हैं। समझ में आ गया, मतलब एक दिन में टोटल 12 लोग काम कर रहे हैं, एक दिन में टोटल 12 लोग काम कर रहे हैं, और हर आदमी को 550 रुपये पर डे दे रहे हो, 6,600 पर डे के हिसाब से जो भी आएगा देखते हैं आगे। सुपरवाइजर 2 शिफ्ट 1% पर शिफ्ट, और 750 पर डे पर पर्सन। सिक्योरिटी पर्सनल 3 शिफ्ट 6% पर शिफ्ट, 450 पर डे पर पर्सन, और टोल बूथ मैनेजर अकॉर्डिंगली। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। ये अप्रैल मंथ की बात हो रही है सिर्फ, ये सिर्फ अप्रैल मंथ की बात हो रही है, तो वो पर वो भी चेक कर लीजिएगा कि किस पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। टोल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, इट ऑफ 1 month ओनली, और अप्रैल में डे आ रहे हैं आपके 30। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन मेंटेनेंस एवरीथिंग इज गिवन। मंथली डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इज 1.5 CR। मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा उस रोड का। फर्दर द कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवरऑल टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ एंड देन कैलकुलेट टोल रेट पर व्हीकल। पहले तो कॉस्ट निकालनी है पर किलोमीटर पर मंथ, 1 किलोमीटर 1 महीने का। हाईवे का साइज कितना है, हाईवे 60 किलोमीटर का है। पहले तो बनाइए कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
सैलरी, कौन कौन है, कलेक्टर, कलेक्शन एजेंट। कलेक्शन एजेंट में हमारे पास 3 शिफ्ट, 4 पर्सन पर शिफ्ट, 550 पर डे, तो ये हो गया 3, तो शिफ्ट हो गई, 4 पर्सन हो गए, 550 रुपीज पर पर्सन पर डे हो गया और 30 डेज हो गए। देखो लिखते वक्त यदि आप वर्किंग नोट नहीं बना रहे हो ना, तो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे ही देना, 30 डेज, ताकि उनको पूरा क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ है। कितना ऐसा ऐसा लिखो तो उससे क्या वर्किंग नोट की नीड खत्म हो जाएगी, अदरवाइज वो वर्किंग नोट आपका टाइम खाता है ना, तो यहीं पे पूरी एक लाइन में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया, खत्म कर दिया कि 3 शिफ्ट है, 4 पर्सन पर शिफ्ट है, तो 3 शिफ्ट, 4 पर्सन पर शिफ्ट, 30 डेज और 550 पर पर्सन पर शिफ्ट या पर डे, 1,98,000। ठीक है, सेकेंड है सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर है 2 शिफ्ट 1 पर्सन 750 रुपये, 2 शिफ्ट 1 पर्सन 750 रुपीज, 30 डेज 45,000 का सैलरी इसका हो गया। सिक्योरिटी, कितना शिफ्ट, 3 शिफ्ट 6 पर्सन 450 पर डे रुपीस फॉर 30 डेज, 2,43,000 ये हो गया हमारे पास। मैनेजर, मैनेजर 2 शिफ्ट कितना पर्सन, एक आदमी 900 रुपए 30 डेज 54,000 मैनेजर का सैलरी हो गया। बाकी खर्चे सीधे सीधे दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन 8,00,000 इलेक्ट्रिसिटी का, 1,40,000 टेलीफोन का, मेंटेनेंस 30,00,000 की मेंटेनेंस और मंथली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मंथली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,50,000, तो डेप्रिसिएशन हो गया आपका 1,50,00,000, इट इज योर टोटल कॉस्ट। वन करोड़ 94,00,000 80,000 ये पूरे 60 किलोमीटर की 1 महीने की कॉस्ट आ गई। इसने मांगा है कॉस्ट पर किलोमीटर, तो आपका कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, वन करोड़ 94,00,000 80,000 डिवाइडेड बाय 60, बोलो राउंडेड ऑफ 3,24,667। कभी भी बहुत बड़ा अमाउंट हो ना लैक्स में तो राउंड ऑफ करोगे चलेगा, लेकिन जब रेट निकल रही हो तो कभी भी रेट को राउंड ऑफ मत कर देना, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना ही लेना। तो पर मंथ कॉस्ट आ गई पर किलोमीटर पर मंथ 3,24,667। अब टोल रेट निकालनी है कि टोल रेट कितना चार्ज करेंगे, पहले तो निकालें पर मंथ व्हीकल कितने पास ऑन होते हैं, बारह करोड़ व्हीकल 10 साल में, 1 साल के आ गए और 1 महीने के चाहिए, 10,00,000 व्हीकल्स हो गए, 10,00,000 व्हीकल पर मंथ, 10
10 लाख व्हीकल पर मंथ, और पर मंथ की कॉस्ट है हमारी 3,24,667। पर ये कॉस्ट पर किलोमीटर है, ये कॉस्ट पर किलोमीटर है, ठीक है। तो अब क्या टोल चार्ज करोगे? तो पहले तो ले लेते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर 3,24,667 प्लस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए उसे? 25% ऑफ कॉस्ट ऐड करो, एट वन वन सिक्स सेवन। टोल चार्जेस पर किलोमीटर ₹4,05,834। ये आपका टोल चार्जेस आ रहा है पर किलोमीटर ऑफ द मंथ। अब हमें टोल चार्जेस किसका मांगा है इन्होंने? पर व्हीकल कितना टोल चार्जेस लोगे? तो ये 1 किलोमीटर का है, इंटू 60 किलोमीटर करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 10 लाख करेंगे। या फिर सुनो इधर, ये टोटल कॉस्ट मंथली आई थी, इसमें प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 लाख कर देते तो सीधा काम भी हो जाता। नीड नॉट टू डू दिस, कि ये सब कुछ इस तरह से ना करके, मतलब यहाँ कॉस्ट जो आप ले रहे हो ये पर किलोमीटर ना लेके टोटल कॉस्ट ले लो। अभी ले लिया, ठीक है, 1,94,80,000, इसमें 25% प्रॉफिट ऐड करो। हाँ, करोड़ में कैसे जाएगा 1 करोड़ का प्रॉफिट? 48,70,000। तो टोल चार्जेस आ गए आपके 2,43,50,000। तो हमारा पर व्हीकल 2,43,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 24.35 रुपीज। पर किलोमीटर तो कैसे लोगे? टोल कभी भी पर किलोमीटर नहीं ले सकते आप। आप ये थोड़ी देखने जाओगे कि वो आधे रास्ते से कट गया या फिर 2 किलोमीटर ही उसने हाईवे यूज किया। वंस यू पास्ड फ्रॉम द टोल, इट इज अज्यूम दैट यू आर यूजिंग द होल हाईवे। आप चाहे 2 किलोमीटर पहले से ही हाईवे पे क्यों ना आए हो, होता है ना पूरा। अभी हम सोच रहे होते हैं जैसे मुझे एयरपोर्ट जाना है, हाँ, अब प्रॉब्लम क्या होता है? अब आप एयरपोर्ट से जस्ट पहले टोल, आप टोल कटवा के एयरपोर्ट जा रहे हो, वहां वो नहीं देख रहे ना कि आपने 1 किलोमीटर हाईवे यूज किया, 2 किलोमीटर किया, 5 किलोमीटर किया। उनको तो पूरा 100 रुपए लेना है। एज यू क्रॉस द टोल यू हैव टू पे 100 रुपीज। तो कभी भी टोल किलोमीटर बेसिस पे नहीं चार्ज होता, बट कैलकुलेट किलोमीटर बेसिस पे कि कितने किलोमीटर का हाईवे है, पर किलोमीटर क्या। तो वहां पे वो पर व्हीकल ही, अब इन्होंने अपना पूरा कैलकुलेशन कर लिया कि हमारा पूरा महीना उस पूरी रोड का क्या चार्जेस आएगा। अब उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ व्हीकल से, व्हीकल कितने किलोमीटर पर चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। गॉट इट, डन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। एक व्हीकल से 24.35 रुपीज वो चार्ज करें फॉर दैट हाईवे ऑफ 60 किलोमीटर। वो तो आप गाड़ी उधर से निकालो और फास्टैग से कट जाए।
अब हम मूव करेंगे स्कूल पे। एडी हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफर कोर्स ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इन थ्री स्ट्रीम्स आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। स्कूल रन्स हायर सेकेंडरी क्लासेस अलोंग विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट ट्रीट हायर सेकेंडरी एज अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। वहाँ जूनियर सेगमेंट भी चलता है, सेकेंडरी क्लासेस प्राइमरी क्लासेस भी चलती हैं, लेकिन हायर सेगमेंट को वो सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कि हमें उसका अलग से कॉस्ट और अलग से रेवेन्यू पता होना चाहिए। द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वॉन्ट्स टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी सेगमेंट। द अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल। टीचर्स सैलरी 25 टीचर्स 35,000 पर मंथ 12 मंथ सीधा सीधा। प्रिंसिपल लैब अटेंडेंट लाइब्रेरी स्टाफ पियोन अदर स्टाफ एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एनुअल डे एक्सपेंसेस स्पोर्ट एक्सपेंसेस सब दे रखा है। अब यहाँ ये जो सब दे रखा है तो पूरे स्कूल का दिया उसने। इसमें आपके पास उनका प्राइमरी सेगमेंट भी होगा, इसमें सेकेंडरी सेगमेंट भी होगा। अब हमें पता करना पड़ेगा कि आउट ऑफ द एक्सपेंसेस डेडिकेटेड एक्सपेंसेस ऑन 11th एंड 12th कितने हैं। प्रिंसिपल तो पूरा स्कूल का है ना, टीचर्स में भी हो सकता है कुछ हायर सेकेंडरी पढ़ा रहे हो। डिटेल क्या बोलता है, देर आर 120 स्टूडेंट इन आर्ट्स 360 इन कॉमर्स 180 इन साइंस। काश ये रियलिटी है नहीं, इन कॉमर्स का है इसलिए कॉमर्स में इन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट दिखा दिए। एक्चुअली आजकल होता नहीं है इतना स्टूडेंट कॉमर्स, बट अच्छा है। लैब क्लासेस इन अ ईयर, ये तो स्टूडेंट बाइफरकेशन दे दिया, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन मिला के टोटल इनके पास 840 स्टूडेंट है। तो 840 स्टूडेंट्स आर देयर इन प्राइमरी और इन तीन स्ट्रीम के इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बता दिए। नंबर ऑफ लैब क्लासेज इन अ ईयर, तो आर्ट्स में कोई लैब क्लास नहीं होती है, साइंस में कॉमर्स में कोई लैब क्लास नहीं होती, लैब क्लास होती है सिर्फ साइंस एंड प्राइमरी सेक्शन से। एग्जामिनेशन इन अ ईयर, तो सभी के दो दो एग्जामिनेशन है। टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय द स्टूडेंट पर ईयर, कितने स्टूडेंट या कितने आवर्स उस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट लाइब्रेरी यूज करते हैं। अभी अपने आप आपको बेस दे रहा है, ये अपने आप आपको बेस दे रहा है। एग्जामिनेशन की कॉस्ट नंबर ऑफ एग्जामिनेशन के रेशो में बढ़ जाएगी, लाइब्रेरी की कॉस्ट आर्ट्स के रेशो में बढ़ जाएगी, लैब की कॉस्ट नंबर ऑफ लैब क्लासेस के रेशो में बढ़ जाएगी, टाइम स्पेंड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का सैलरी कितना कितना आर वो किस सेगमेंट पे डिवोट करता है, टीचर फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट, 11th और 12th के टीचर्स कितने हैं, टोटल टीचर्स हमारे पास थे 25, 25 में से पता चलता है 10 टीचर प्राइमरी के हैं, 4, 5, 6 इन तीनों सेगमेंट के हैं, तो टीचर का सैलरी इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। अब आगे पढ़ो, वन टीचर हु टीचेस इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स स्ट्रीम आल्सो टीचेस कॉमर्स, द टीचर टेक्स 1040 क्लासेस इन अ ईयर, इट इंक्लूड्स 208 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। मतलब पहले आपने टीचर की सैलरी डिवाइड कर दी भाई, लेकिन अब पता चलता है कि आर्ट्स का एक टीचर है वो कॉमर्स के बच्चों को भी पढ़ा रहा है। पहले तो टोटल सैलरी आपने डिवाइड कर दी नंबर ऑफ टीचर के बेसिस पे, अब आर्ट्स की जो सैलरी गई उसमें से 6 टीचर की सैलरी गई आर्ट्स में, देयर आर 6 टीचर इन आर्ट्स ना, इसमें से एक टीचर कॉमर्स के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा है, तो उस टीचर की जितनी सैलरी है उसका थोड़ा सा पार्ट कॉमर्स पे डालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस। उसने टोटल 1040 क्लासेस ली हैं, उसमें से 208 क्लास उसने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, तो उस एक टीचर की सैलरी का 208 डिवाइडेड बाय 1040 वाला पार्ट कॉमर्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। टोटल क्लासेस है ना बेटा उसकी 1040 उसने टोटल क्लासेस ली है, उसमें से 208 क्लास जितना खर्चा उसका कॉमर्स में शिफ्ट करेंगे।
पहले तो तीनों में डिवाइड करेंगे, चारों में डिवाइड करेंगे, और फिर एक टीचर का उधर से माइनस करके इधर ऐड करेंगे, या आर्ट्स में से निकालो उसका पार्ट, कॉमर्स में डालो। देर आर अनदर टीचर हु टीचेज मैथमेटिक्स फॉर साइंस, ऑल्सो टीचेज बिजनेस मैथमेटिक्स टू कॉमर्स। मतलब साइंस की जो मैथ्स पढ़ा रहा है वो अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स में भी पढ़ा रहा है। शी टेक्स 1100 क्लासेस इन अ ईयर, उसमें से 160 क्लासेस कॉमर्स स्टूडेंट। तो वही सेम, एक कॉमर्स एक साइंस के टीचर की सैलरी का 160 डिवाइडेड बाय 1100 वाला पार्ट कॉमर्स में प्लस करेंगे, साइंस में से माइनस करेंगे। गेटिंग इट? वन पियोन इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। अब पियोन की सैलरी की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास टोटल ऊपर चार पियोन है भैया, इन चार पियोन में से एक पियोन तो प्योरली हायर सेकेंडरी सेगमेंट के लिए है, अदर पियोन डेडिकेटेड देयर 15% टाइम टू हायर सेकेंडरी। तो हमारा जो हायर सेकेंडरी 11th 12th का सेगमेंट है, इसमें एक पियोन की पूरी सैलरी और बाकी बचे हुए पियोन की सैलरी का 15%। ऑल स्कूल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज। तो एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट एक्टिविटीज नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हुई बात? अब पियोन की सैलरी आपको बोला है इसने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पे कितना और प्राइमरी पे कितना। सीनियर सेकेंडरी पे ये नहीं बताया आर्ट्स में कितना, कॉमर्स में कितना, साइंस में कितना। तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस में किस बेसिस पे डिवाइड होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस। वर्किंग समझ में आई? कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल थ्री स्ट्रीम्स। If the management decide to take uniform fee of 1000 per month from all the higher secondary student, stream wise profitability. If management decide to take 10% profit on cost, compute fee to be charged from the student for all three streams respective. तो पहले तो cost निकालो, पहले तीनों stream की cost निकालो, शुरू हो जाइए, बताइए तीनों stream की cost कैसे calculate करोगे आप लोग। स्टेटमेंट में बाइफ्रिकेशन कर दो, तीन कॉलम बनेंगे आपके पास, 11th 12th आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, और बेसिस में तो कुछ नहीं, वर्किंग दिखाओगे ना, जहां जरूरत पड़ेगी वर्किंग नोट बनाओगे। शुरू करें। कुछ भी नहीं आता, दो कॉपी चाहे कोई है, तीन कॉपी, मनन को तो कुछ भी नहीं आता, नन गुप्ता को तो। इजी क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, सेकंड जो मेन कंसोलिडेशन का था तो असेट के रिवैल्यूएशन पता नहीं का पोस्ट में दे रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। 60 में से 12, ये लड़की ठीक है। पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा सही किया, 20 में से 20। मैंने दो दिया, ये मैं पे शिफ्ट हो गया टॉप करके, पे शिफ्ट हो गई।
चलें, कर रहे हो? ओके गुड, आगे बात शुरू कर। आप कर रहे हो तो मैं वेट करता हूं, ट्राई करें। ओके, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वर्किंग नहीं दिखाओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। कब बनाओगे? वर्किंग नोट पहले बनने चाहिए थे, फिर स्टेटमेंट बनाने थे, वर्किंग नोट बनाने लग से बैठोगे कैलकुलेट करने के बाद, तो दिखाया क्यों नहीं? कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग, अपनी बार बार बोल चुका हूँ इस चीज को, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेटर से थोड़ी सोल्यूशन होता है। टीचर की सैलरी है 35,000 रुपीज पर मंथ, और आर्ट्स में हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स, देर आर फोर टीचर्स इन आर्ट्स, 35,000 पर मंथ, फोर टीचर इन आर्ट्स, 35,000, 12 रुपीज, 12 मंथ, फोर टीचर इन आर्ट्स, 16,80,000, 35,000 पर मंथ। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन कॉमर्स? फाइव टीचर्स आर इन कॉमर्स, 35,000, 12 मंथ, एंड देर आर सिक्स टीचर्स इन आर्ट साइंस, 21 लाख, और यहाँ आएगा आपका 25 लाख, 20,000। ये तो हो गई इन टीचर्स की सैलरी। अब इन टीचर की सैलरी में रीअपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट दो जगह से हुआ है। आर्ट्स का एक टीचर का सैलरी कुछ कॉमर्स में गया, आर्ट्स से माइनस, कॉमर्स में प्लस,
और साइंस के टीचर का भी कुछ सैलरी साइंस से माइनस कॉमर्स में प्लस, इसके लिए बनाओगे आप वर्किंग नोट, रीअपॉर्शनमेंट। आर्ट्स का एक टीचर का सैलरी, आर्ट्स का एक टीचर का सैलरी कितना है 35,000 या आर्ट्स टू कॉमर्स 35,000 12 महीने, इसमें वो कितने क्लासेस लेती है टोटल 1040 टोटल क्लासेस लेती है, और 1040 में से 208 क्लासेस उसकी कॉमर्स में शिफ्ट होती है, 84,000 की उसकी सैलरी का रीअपॉर्शनमेंट है। और साइंस टू कॉमर्स एक टीचर 12 महीने का सैलरी, साइंस में वो टीचर टोटल आपका 1100 क्लासेस लेता है और उसमें से 160 क्लासेस का कॉमर्स में शिफ्ट करना है, 1100 क्लासेस 160 का कॉमर्स में शिफ्ट करना है। ₹61,091 ये रीअपॉर्शनमेंट डालेंगे आर्ट्स का कॉमर्स में और साइंस का कॉमर्स में, तो रीअपॉर्शनमेंट आर्ट्स में से माइनस कॉमर्स में प्लस, साइंस में से माइनस कॉमर्स में प्लस, ये रीअपॉर्शनमेंट का वर्किंग नोट नंबर वन, जहां से हमने रीअपॉर्शनमेंट कर दिया, वर्किंग नोट बना दिया, चलेगा। पहला एक्सपेंस हमारा टीचर सैलरी हो गया, प्रिंसिपल का सैलरी, सैलरी ऑफ प्रिंसिपल, ये पूरा कैलकुलेशन जब दिखाओगे ना और जब वर्किंग नोट बनाओगे तो पता चलेगा एक क्वेश्चन को करने में एक घंटा लग रहा है, आप असेस ही नहीं कर पाओगे, फिर टेस्ट देते हो तब बोलते हो पेपर छूट गया, क्योंकि आपने मैनुअल जब प्रैक्टिस किया आपने सिर्फ कैलकुलेटर चलाया, वो ये जब तक रिटर्न में सारे क्वेश्चंस उतना ही पूरा वर्किंग के साथ 10-20-25 क्वेश्चंस हर चैप्टर के 20 क्वेश्चंस नहीं करोगे आप वो स्पीड ला ही नहीं सकते किसी हालत में भी, पेपर पूरा नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, गारंटी है, चांस ही नहीं हो सकता कि पूरा हो जाए, कभी भी 70% पेपर से भी ऊपर नहीं जा पाओगे। बार बार आपको बोल रहा हूँ रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, आप वही कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बस आंसर निकाल के खुश हो रहे हो। प्रिंसिपल का सैलरी डिवाइड किस बेसिस पे होगा, तो प्रिंसिपल का सैलरी डिवाइड करने के लिए उन्होंने पहले ही हमें बेस दे दिया है टाइम स्पेंट के बेसिस पे, तो उसका टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम स्पेंड बाय प्रिंसिपल 208 प्लस 312 प्लस 480 प्लस 1400 कितना, 2400। अब प्रिंसिपल का सैलरी उठाओ यहां से 14,40,000, में 2400 और यहाँ पे बाइफ्रिकेशन है उसका 208 आर्स का, इसी तरह 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2400 और यहाँ पे हम उसको सैलरी दे रहे हैं, टाइम दे रहा है वो 312 घंटे, और 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2400 और यहाँ वो टाइम दे रहा है 480 आवर्स, 124,800, 187,200, 2,88,000, ये तरीका है इसका बाइफ्रिकेशन दिखाने का, वर्किंग नोट बनाओ या फिर इस तरह से दिखाओ, पर आर निकाल के भी कर दो, प्रिंसिपल सैलरी पर आर, तो यहाँ पे निकाल दिया आपने 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2400 दैट इज 600 पर आर, और अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ 600 इंटू 208, 600 इंटू 312 दैट इज अगेन करेक्ट, तो यहाँ पे सेपरेट वर्किंग नोट का नीड नहीं रहेगा,
नेक्स्ट है आपका लैब अटेंडेंट सैलरी 3,60,000 रुपीज। लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट टोटल टाइम दे रहा है, टोटल लैब क्लासेस हो रही है आपके पास 300 की, तो सीधा सीधा 300 और सिर्फ साइंस में ही जाएगी, तो वर्किंग का कोई नीड नहीं है। 3,60,000 टोटल लैब क्लासेस 300, जिसमें साइंस सेगमेंट में 144। सैलरी कितनी? 360। यहाँ ले लेंगे 3,60,000, टोटल 300 क्लासेस में से 144 क्लासेस, 1,72,800 ये लैब अटेंडेंट का सैलरी आ गया। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का सैलरी, लाइब्रेरियन का टोटल सैलरी है आपका 144, और लाइब्रेरी आवर्स की टोटल लगाओ 1,44,000 टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 600, तो ₹241 पर आर। डेसिमल को भूलना मत, छोड़ मत देना। हाँ, राउंड ऑफ मत कर देना, रेट कभी भी राउंड ऑफ नहीं करनी है, दो डिजिट तक लेनी है। ₹240 पर आर, अब ₹240 पर आर के बेसिस पे चार्ज करते चलिए सबके यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे लाइब्रेरी आवर्स हैं 180, 120, 240, 180, 120 एंड 240। कितना? 43,200, 28,800, 27,600। बात समझ में आ रही है ना? कैलकुलेशन की तरीका समझ में आ रहा है, दिखाने का प्रोसेस? ऐसे दिखाओगे तो फास्ट क्वेश्चन हो पाएगा, वर्किंग नोट अलग से बनाओगे तो वो टाइम ज्यादा खा जाता है, तो बेटर है इसी के अंदर वर्किंग नोट डाल दें। सैलरी ऑफ पियोन, अब पियोन का सैलरी है तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वाइफरिकेशन अलग अलग तरीके से हैं। सैलरी ऑफ पियोन में क्या बोला है उसने? एक पियोन तो डेडिकेटली पूरे उसके लिए, और बाकी पियोन का 15%, तो सैलरी टू पियोन फॉर सीनियर सेगमेंट। पहले तो सीनियर सेगमेंट का पूरा उसका सैलरी निकालना है। वन पियोन फुल टाइम, तो वन पियोन का सैलरी 10,000 पर मंथ। वन पियोन का सैलरी है 10,000 पर मंथ। वन पियोन का सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो ये हो गया आपका वन पियोन का, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। और थ्री पियोन का पार्ट टाइम, तो थ्री पियोन 10,000 रुपीज का 12 मंथ का 15%, 54,000। टोटल सैलरी ऑफ पियोन 1,74,000। यहाँ तक चेक कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है क्या? टोटल सैलरी ऑफ पियोन 1,74,000। अब इस सैलरी ऑफ पियोन को डिवाइड करेंगे तीनों सेगमेंट में, किस बेसिस पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे। 1,74,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल द थ्री सेगमेंट, 120 प्लस 1,360 प्लस 180, 660 पर स्टूडेंट, बता दो कितनी आ रही है? 264।
मैंने फिर बोला राउंड ऑफ नहीं करना है, फिर राउंड ऑफ कर रहे हो। 6 3 पर स्टूडेंट, अब चार्ज करते चलिए इस रेट से। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 120 स्टूडेंट पे 363.63 31636। यहाँ राउंड ऑफ कर दो टोटल अमाउंट। यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं? 360 × 263.63 94909 एंड 360 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ कितने हैं? 180। 47। अब इसमें आप ये चीज यहाँ पे नहीं भी दिखाओगे इस तरह से यहाँ पे तो चलेगा, नीचे जाके आप सिर्फ इतना बोल दो या नोट में डाल के देख दो। क्या यहाँ पे देखना, एक मिनट, ये तो करना है, ये नहीं करना चाहते, बोले टाइम बचाना है मेरे को, तो टाइम बचाना है तो यहाँ पे क्या करना है? टाइम बचाना है तो यहाँ लिखना है, आपको टाइम सेव करना है तो ये कैलकुलेशन ना दिखा के यहाँ लिख दीजिए, सैलरी ऑफ पियोन 1 लाख 1,74,000, वो तो नीचे वर्किंग नोट में हमने निकाल दी, और यहाँ लिख लीजिए इन द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स, लिख दिया यहाँ पे, और अब डायरेक्टली कैलकुलेटर पे डिवाइड करके लिख दो तो चलेगा। नीचे वर्किंग नोट में टोटल सैलरी का वर्किंग दिखा दिया और यहाँ पे हमने बाइफ्रिकेशन दे दिया। इज इट क्लियर? यहाँ हो गया सैलरी ऑफ पियोन के बाद, अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, सुनिए अभी, अदर स्टाफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इक्वल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एनुअल डे एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, स्पोर्ट एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, बाकी सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर में तो आप नीचे वहां पे क्या लिखेंगे, कोई बाइफ्रिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप सीधा सीधा नीचे नोट डाल देंगे ऑल अदर एक्सपेंसेस, या ये सब उन सब के सामने लिख दिया आपने, या नीचे नोट डाल दिया, वर्किंग नोट डाल दिया, वर्किंग नोट में लिख दिया स्पोर्ट एक्सपेंसेस, एनुअल डे एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सैलरी ऑफ अदर स्टाफ हैज बीन डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ऊपर सीधा डिवाइड करके लिख दिया और रेफरेंस दे दिया वर्किंग नोट का कि हाँ हमने वहां नीचे बता दिया है कि कैसे डिवाइड किया, वहां वर्किंग की फिर जरूरत नहीं। तो ऐसे स्मार्टली खेल सकते हो, लेकिन जहां कैलकुलेशन इज नीडेड, जहां वर्किंग नोट इज नीडेड, तो या तो ऐसे बना के इसको दिखाओ और या अलग से वर्किंग नोट पर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट पर सेगमेंट आ जाएगी, पर सेगमेंट टोटल कॉस्ट आ गई आपकी साल भर की, फिर हर स्टूडेंट से जितनी फीस आप कलेक्ट कर रहे हो वो उसने दे रखा है 1,000 रुपए पर स्टूडेंट पर मंथ, तो हर स्टूडेंट से 12,000 रुपए साल का आ रहा है, तो रेवेन्यू आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा बोल रहा, नहीं सर फीस आप बताओ, हमें मार्जिन चाहिए, तो हम टोटल कॉस्ट में इन्होंने मार्जिन बोला है कितना परसेंट, 10%, तो कॉस्ट का 10% ऐड करेंगे, वो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, उस टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो उससे पता चल जाएगा हमें कितनी फीस चार्ज कर। इज इट क्लियर? 1,000 तो यूनिफॉर्म फी है ना। अरे बोलो भाई, 1,000 तो यूनिफॉर्म फी नहीं है वो, अरे यूनिफॉर्म फी नहीं है वो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों शर्म करो थोड़ी सी अपने ज्ञान पे। यूनिफॉर्म फी, यूनिफॉर्म की फी होती है क्या? कोई स्कूल में फी देके कपड़े पहनने हैं? ठीक है गाइस,
कंप्लीट करिएगा इस क्वेश्चन को, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।